नमस्कार, स्वागत है आपका अनुग्रह ज्योति न्यूज चैनल में। अभी जो समाचार आ रहा है रावला से, बाड़मेर के कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर बुधवार को कुम्हार युवा सभा समिति रावला मंडी में रावला तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 22 अप्रैल को पुलिस द्वारा कमलेश प्रजापत का फर्जी इनकाउंटर किया गया, जो कि पूर्णतया गलत था। इसमें दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की जाए। इसमें समाज के प्रधान ने बताया कि इनकाउंटर की सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है, उससे ऐसा नहीं लगता कि पुलिस ने सही इनकाउंटर किया है। इसमें पुलिस के दोगले बयान भी सामने आ रहे हैं। इस इनकाउंटर के खिलाफ पूरे देश के कुम्हार समाज व अन्य समाज के लोगों में रोष व्याप्त है और इन्होंने जल्द से जल्द उचित कार्यवाही कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा है कि अगर जल्द ही इन दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो कुम्हार समाज इस पर इंसाफ के लिए सड़कों पर भी उतरेगा। इस मौके पर ज्ञापन देने युवा कुम्हार सभा समिति के प्रधान मोहन लाल निम्मीवाल, मदन घोड़ेला, देशराज नोखवाल, श्रीराम बावरिया, कृष्ण चांदोरा, मेल सिंह पेशिया, मोतीराम बोलो। मैं मोहन लाल निम्मीवाल, कुम्हार समाज अध्यक्ष, ने आज तहसीलदार को बाड़मेर में जो कमलेश इनकाउंटर किया गया है, उसका हमने आज पूरे कुम्हार समाज का अन्य विद्यार्थियों में दोष है। तहसीलदार को ज्ञापन दिया, आज पूरे राष्ट्र में कुम्हार समाज व इस एनकाउंटर के प्रति पूर्णतः पूरे राजस्थान में ज्ञापन सौंपे गए हैं।